वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. तो यहाँ पे हमें थ्री टाइप्स ऑफ फूड दी हुई हैं. ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़ वी डिवाइड फूड इनटू. इनको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है इनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग. इनको हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट नंबर पे है एनर्जी गिविंग फूड, यानी एनर्जी देने वाले फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड. यहाँ थ्री टाइप्स में ऐसे इनको डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, यानी जो हमें एनर्जी देते हैं यानी ऊर्जा देते हैं. ऐसे फूड्स कौन से हैं? तो इसमें है बटर, पोटैटो, राइस, शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड. तो एनर्जी देने वाले में बटर, पोटैटो, राइस एंड शुगर. नेक्स्ट, वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग वी डू एंड टू स्टे अलाइव. वी नीड एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, यानी हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. एवरीथिंग वी डू, जो हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी हमें एनर्जी मिलेगी तभी हम सब कुछ कर सकते हैं. एंड डू स्टे अलाइव, और जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो ये एनर्जी गिविंग फूड है, बटर, पोटैटो, राइस एंड शुगर. तो यहाँ इनकी ड्राइंग भी दी गई है. राइस, राइस, शुगर, बटर एंड पोटैटो, एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, अब है प्रोटेक्टिव फूड. और प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन है? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. प्रोटेक्टिव फूड्स में सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो शामिल होंगे. एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, डिजीज मीन्स बीमारियाँ. और बीमारियों से हमें बचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की. ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो. ऑल फ्रूट्स यानी सभी फ्रूट्स, और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जिनको हम कच्ची खाते हैं, यानी जैसे कैरोट है, रेडिश है, टोमेटो है, तो इनको हम कच्चा भी खाते हैं, यानी सैलेड बना के, इनका सलाद बना के खाते हैं. तो यहाँ आपको ड्राइंग दी हुई है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैरोट, गाजर, मैंगो एंड पपाया. ठीक है, तो ये कौन से फूड्स हैं? ये है प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन आएंगे ध्यान में रखना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी हमारी बॉडी को बनाने वाले फूड. तो बॉडी बिल्डिंग फूड, फूड लाइक पल्सेस, पीस, फिश, एग, मीट एंड मिल्क गिव अस प्रोटीन विच हेल्प अवर बोन्स एंड मसल्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो इनमें बॉडी बिल्डिंग फूड में है पल्सेस, दालें, पीस, मटर, फिश, मछली, एग, अंडा, मीट यानी मांस, मिल्क यानी दूध. ये सब, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. ये हेल्प करते हैं हमारी बोन्स, मांसपेशियां एंड मसल्स, हमारी हड्डियों को, सॉरी बोन्स हड्डियां, मसल्स मांसपेशियां. तो बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? ये जो फूड्स हैं ये बनाते हैं. तो इन सब फूड्स को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी हमारी बॉडी को बनाने वाले फूड. तो इसको दोबारा एक बार सुनना आप कि इसमें फूड में ये जो फूड आइटम्स दिए हुए हैं इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, जो हमारी हेल्प करता है हमारी बोन्स यानी हड्डियों को, मसल्स मांसपेशियों को, ये क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, जिससे हमारी जो बोन्स, हड्डियाँ और मसल्स हैं वो ग्रो करती हैं. ठीक है, वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेरियन, सॉरी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल रीडिंग करेंगे. इसमें फूड आइटम्स हैं मिल्क, एग, पल्सेस एंड चिकन. तो आज आपको जो होमवर्क आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है वो है इसमें वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. तो ये जो आपकी बुक में ये जो टेबल बनी हुई थी कि एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, हमें भी अपनी ईवीएस की नोटबुक में इस टेबल को बनाना है. और इसके नीचे हमें जो फूड आइटम्स कौन कौन से हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं और बॉडी बिल्डिंग कौन से हैं, वो भी हम इनके नीचे ही लिखेंगे. तो ठीक है,
आप यहाँ पे ये अपनी विस्क नोटबुक करेंगे कि वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, कि फूड को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग किया है। तो ये आप तीनों के नेम डालेंगे, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। फिर इसमें एनर्जी गिविंग में जो हमने रीड किया था अभी अपनी बुक से, उनको नेम डालेंगे यहाँ पे कि बटर, पोटैटो, राइस एंड शुगर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब हमें क्या मिलते हैं इनसे, एनर्जी। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव, तो प्रोटेक्टिव में ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाएंगे, कैप्सिकम, कैरोट, मैंगो, पपाया, मीन्स क्या होगा, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो इसमें सब आ जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड में पल्सेस, पीस, फिश, एग, मीट, मिल्क, ये सारे क्या है, प्रोटीन मिलता है हमें इनसे, ये हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो ये आप टेबल अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनाएंगे और फिर इस चैप्टर की हम वर्ड मीनिंग करेंगे। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, अलाइव जीवित, डिफरेंट विभिन्न, क्वालिटीज मीन्स गुण, प्रोटेक्टिव रक्षात्मक, डिजीज रोग, पल्सेस दाले, बॉन्स हड्डियाँ, मसल्स मांसपेशियाँ, स्ट्रॉन्ग मजबूत। तो ये आपको अपनी विश्व में की नोटबुक में लर्न एंड राइट करने हैं। थैंक यू।